काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांना सुप्रीम कोर्टानं मोठा दिलासा दिलाय. मोदी आडनाव प्रकरणामध्ये गुजरात कोर्टानं सुनावलेली शिक्षा सुप्रीम कोर्टानं स्थगित केलेली आहे, त्यामुळे राहुल गांधी यांची खासदारकी त्यांना पुन्हा एकदा बहाल झालेली आहे. आता औपचारिकता म्हणून राहुल यांना लोकसभा अध्यक्षांना एक पत्र द्यावं लागेल, त्यानंतर ते लोकसभेच्या कामकाजामध्ये सहभागी होऊ शकतील. तर सुप्रीम कोर्टामधील वकिलांनी यासंदर्भात नेमकी काय प्रतिक्रिया दिलेली आहे आपण पाहूयात. कहा था कि राहुल गांधी का कोई हार्म करने का इंटेंशन नहीं था किसी मोदी फैमिली को, और पुनोज मोदी ने जो मैटर डाला है वो खुद मोदी नहीं है बल्कि एक गुटखा परिवार से आते हैं, जो कि ट्रायल कोर्ट में ये बात उन्होंने एडमिट करी है. उन्होंने सारा पढ़ के सुनाया कि पैरा नंबर ये वॉल्यूम इस पे यहाँ पर इन्होंने अपने आप को ये एडमिट किया है. एक तो ये मोदी परिवार से नहीं आते, ये बनता नहीं है केस. सेकेंड, ये मैक्सिमम सेंटेंस हुआ है ट्रायल कोर्ट से, हाई कोर्ट से, यहाँ पर स्टे हो गया है. अपील में दोबारा से जो आगे चल के जो आर्गुमेंट होगा चलेगा केस, फिलहाल अभी स्टे कर दिया गया है और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है. अब वो पार्लियामेंट में देखे जाएंगे. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.